हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिनिया व्लॉग्स। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि मारुति सुजुकी ने अपनी एक और कार को लॉन्च करने का फैसला ले लिया है, जो कि होगी हैचबैक सेगमेंट के अंदर और जो कि लॉन्च होने वाली है इस फेस्टिव सीजन में, मींस अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में आपको ये कार देखने के लिए मिल जाएगी। इस कार का जो नाम रहने वाला है वो है एस्प्रेसो। स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ, S-PRESSO कार का नाम है जो कि रहने वाला है। बेसिकली ये राइवल होगा रेनो क्विड का, जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग रही है, क्योंकि अपनी प्राइसिंग की वजह से और अपने फीचर्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रही है। इस वजह से सुजुकी ने एस्प्रेसो को लॉन्च किया है, जो कि प्राइसिंग रहने वाली है 4 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए के बीच में इसकी प्राइसिंग रहने वाली है, जो कि आपको अवेलेबल होगी 1.0 लीटर पेट्रोल वर्जन के अंदर। साथ ही साथ आपको इसके अंदर मिल जाएगा ऑटोमेटिक ऑप्शन भी, आपको इसके अंदर मिल जाएगा जो कि आप अवेल कर सकते हैं अपनी ड्राइव को और भी ज़्यादा कम्फर्ट बनाने के लिए। सो साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, ये जो कार है ये आपको देखने के लिए मिलेगी सिर्फ मारुति के एरेना जो भी शोरूम्स हैं उनके अंदर, आपको सिर्फ ये देखने के लिए मिलेगी। जो नॉर्मल शोरूम्स हैं मारुति सुजुकी के, उसके अंदर आपको ये नहीं देखने के लिए मिलेगी। वहीं अगर मैं बात करूं इसके फीचर्स की, तो फीचर्स के अंदर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे डुअल फ्रंट एयरबैग्स, आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, ABS मिल जाएगा, साथ ही आपको मिलता है इसके अंदर EBD एंड रियर पार्किंग सेंसर भी आपको इसके अंदर अवेलेबल मिल जाएंगे। ये जो फीचर्स मैंने आपको बताए सिक्योरिटी फीचर्स, ये आपको एज़ इन बिल्ट इन स्टैंडर्ड फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, जो कि आपको पता है कि अब एक नॉर्म बन चुका है। साथ ही साथ अगर बात करूँ इसके इंटीरियर की, तो इंटीरियर आपको इसके अंदर डुअल टोन के अंदर मिल जाएगा। बेसिकली ये कंसेप्ट मॉडल है जो कि काफ़ी अच्छा मॉडल रहने वाला है, और आपको इसके अंदर मिल जाएगा सेमी सर्कुलर इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि पोजिशनड होगा इन द सेंटर ऑफ डैशबोर्ड के अंदर, आपको ये अवेलेबल मिल जाएगा। जो पोजीशन है वो इसकी काफ़ी अच्छी रखी गई है, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी कार्स के अंदर भी आपको सेंटर के अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिल जाता है, वही सेम आपको इसके अंदर मिलेगा। इसकी जो और ख़ास बात है वो ये कि आपको इसके अंदर मिल जाता है टच स्क्रीन सिस्टम, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि कंपनी इसके अंदर आपको अवेलेबल करा रही है। सो साथ ही बात करूं इसके और एड ऑन फीचर्स की, तो आपको इसके अंदर अलॉय व्हील्स भी अवेलेबल मिलने वाले हैं। बेसिकली कंसेप्ट मॉडल है, और सो कंपनी ने जो इसकी प्राइसिंग रखी है वो कहीं ना कहीं ऑल्टो से थोड़ा सा ऊपर रखकर और वैगनआर से थोड़ा सा नीचे रखी गई है। रीज़न बीइंग कि ये राइवल है रेनो क्विड का। सो जो रेनो क्विड की प्राइसिंग है वो स्टार्ट होती है 4.20 लाख रुपीज़ से। सो कहीं ना कहीं उससे थोड़ी सी प्राइसिंग नीचे रखकर इसको राइवल बनाया गया है रेनो क्विड का। सो इसकी जो खास बात यह है कि आपको मिलेगी कंसेप्ट मॉडल के अंदर। सो गाइज, अगर आप कोई भी कार परचेज़ करना चाहते हैं इस रेंज के अंदर, तो थोड़ा टाइम आप रुक जाओ, इस फेस्टिव सीज़न में आपको काफ़ी अच्छी डील मिल जाएगी। ये कंसेप्ट मॉडल आपको एस्प्रेसो का देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा लुक के अंदर और सेफ्टी फीचर्स के अंदर। सो गाइज, ये थे कुछ ओवरऑल फीचर्स जो कि मैंने आपको बताया एस्प्रेसो के बारे में। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर अगर नया आया हो तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए डेली लेकर आता रहता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।